गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो आप लोगों के लिए क्लास 6 और 7 के लिए है और यह ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन में आप लोगों का चैप्टर 4 है, दोनों आदमी का चैप्टर 4 ही है। क्लास 6 में भी ट्रांसलेशन का बुक खोलिएगा तो चैप्टर 4 है और क्लास 7 में भी इसको खोलिएगा तो चैप्टर 4 ही है। दोनों का सेम टॉपिक है, इसलिए एक ही कॉमन वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और देखने के बाद क्या करना है कि अच्छे से समझ जाइएगा और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और नोट डाउन करने के बाद ट्रांसलेशन बनाकर और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। तो यह मेनली पढ़ना है टेंस। तो देखिएगा टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रजेंट टेंस। अब इसमें मेन प्रजेंट के 4 पार्ट्स होते हैं, कहा जाता है एवरी के का 4 पार्ट्स होता है। तो प्रजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रजेंट परफेक्ट टेंस, प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मेनली आप लोगों को पढ़ना है आज प्रजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए प्रजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे जानिएगा कि कोई हिंदी में लिखा हुआ है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है कि प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो इसके पहचानने के लिए कुछ ट्रिक होता है, ध्यान से देखिए। कहा जाता है जिस क्रिया के अंत में ता है और ती है लगा हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो क्या लगा हो क्रिया के अंत में, ता है ती है, तो क्रिया क्या होता है, तो जो वर्ब होता है, जो एक्शन वर्ड होता है। जिससे देखिएगा वह खेलता, एग्जाम्पल में देखिए कि वह खेलता है, तो वह खेलता है तो लास्ट में ता है, तो लास्ट में ता है तो पता चल गया कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो आप समझ गए होंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही पार्ट्स है। तो फिर आते हैं, ध्यान से देखिएगा इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको स्ट्रक्चर पे क्लासिफिकेशन करते हैं। स्ट्रक्चर पे क्लासिफिकेशन करने से यही फायदा होता है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको कैसे करते हैं। तो सब्जेक्ट, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब 1 आप जनरली जानते होंगे कि वर्ब 1 सिंपल फॉर्म होता है, और जो वर्ब 5 होता है तो वह क्या होता है, तो जो वर्ब है उसमें अगर आप एस या ईएस ऐड कर देते हैं तो वह वर्ब 5 बनता है। तो याद रखिएगा कि हम लोग वर्ब 5 कहाँ पे यूज करते हैं और वर्ब फॉर्म कहाँ पे यूज करते हैं बताते हैं। अगर ही सी इट नेम हो तो उसके साथ आप वर्ब 5 लगाइएगा। आई वी यू दे हो तो उसके साथ आप वर्ब 1 यूज कीजिएगा। तो चलिए इस पर कुछ ट्रांसलेशन देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तुम खेलती हो तो सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो तुम, तो इसका स्पेलिंग क्या होगा, यू। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर्ब 1 या वर्ब 5, तो आपको देखना होगा आखिर यू के साथ कौन सी वर्ब आता है। तो देखिए आई वी यू दे, तो यू के साथ कौन सा वर्ब आ रहा है, वर्ब 1। तो आप क्या लिखिएगा, यहाँ पे वर्ब 1 या वर्ब 5 डालना है, तो खेलना का स्पेलिंग क्या होता है, तो प्ले, तो यू प्ले, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसीलिए नहीं डालेंगे। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि तुम खेलती हो तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, यू प्ले। अब देखिए वह खेलती है, तो वह खेलती है तो वह का स्पेलिंग क्या होता है, तो यहाँ सी होगा, खेलती है यानी फीमेल को इंडिकेट कर रहा है, और खेलना का स्पेलिंग क्या होगा, तो प्ले होगा। अब कहा जाता है ही सी इट नेम के साथ क्या लगाना है, तो वर्ब 5, तो वर्ब 5 में क्या लगता है, तो एस या ई एस, तो इसमें आप क्या लगाइएगा, एस लगाइएगा, तो सी प्लेज। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस में एस लगता है और किस में ई एस लगता है। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो देखिएगा निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहला सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट डू या डज प्लस यहाँ पे क्या होगा, छूट गया है, नॉट, नॉट
प्लस वर्ब वन, अब प्लस क्या होगा ऑब्जेक्ट, तो इस तरह से देखिएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो निगेटिव में इस तरह की स्ट्रक्चर होता है। अब जानिएगा कि डू या डज कहाँ पे लगता है, देखिए ही सी इट नेम हो तो इसके साथ डज लगता है, और आई वी यू दे हो तो इसके साथ डू लगता है। अगर आई वी यू दे हो तो इसके साथ डू, ही सी इट नेम हो तो इसके साथ डज लगता है। अब कहा जाता है कि तुम नहीं खेलती हो, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा तुम का, तो यू इसके साथ क्या लगाइएगा डू, और यहाँ पे क्या लगेगा नॉट, और खेलती है तो क्या होगा प्ले। अब लिखा हुआ है वह नहीं खेलती, तो वह का स्पेलिंग क्या होगा सी, इसके साथ क्या लगेगा डच, यहाँ पे क्या होगा नॉट प्ले। तो यह आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो इंट्रोगेटिव को क्वेश्चन मार्क्स से भी पता चल जाता है कि यह इंट्रोगेटिव, तो इसमें सबसे पहले डू या डज यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन और प्लस क्या होगा ऑब्जेक्ट। लिखा हुआ है क्या तुम खेलती हो, इसमें क्या होगा तो तुम के साथ क्या लगता है तो डू, तो यहाँ पे डू लिखिएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि यहाँ क्या देखते हैं इसका स्पेलिंग वाट लिख देते हैं, लेकिन ऐसा लिखना आपका गलत हो जाएगा। वाट कब लगेगा ये भी बताएंगे। तो यहाँ डू होगा, और डू के बाद आप क्या लिखिएगा यू सब्जेक्ट है, और खेलना का स्पेलिंग क्या होगा प्ले, और लास्ट में क्या दीजिएगा क्वेश्चन मार्क, यानी डू यू प्ले यानी क्या तुम खेलती हो। तो इस तरह से आ गया समझ में। अगर यही चीज अगर इंट्रोगेटिव वर्ड हो, आई डब्ल्यू हो इंट्रोगेटिव वर्ड, तब आप इसको कैसे बनाइएगा, तब पहले लिखिएगा इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद क्या लिखिएगा क्वेश्चन मार्क। तो देखिए तुम क्या खेलती हो, अगर यही क्या अगर आपका बीच में आ जाए तो इसका स्पेलिंग होगा वाट, वाट डू यू प्ले। तो देखिएगा यही स्पेलिंग आ जाए तो इसका स्पेलिंग हम लोग क्या लिखेंगे वाट डू यू प्ले, यानी तुम क्या खेलती हो। तो इस तरह से क्या करना है कि आप वीडियो को देख लीजिएगा, और देखने के बाद एक्सरसाइज फोर बना के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिएगा। डेट्स ऑल।